नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान व काव्य शास्त्र संबंधी तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ आज की क्लास के भी हम कर लेते हैं शुरुआत, जिसमें हम हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैराथन क्लास 16 के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे और एक एक प्रश्नों को उसके बीच सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, ताकि इस पर एक प्रश्न से संबंधित कोई अन्य तथ्य भी पूछ लिया जाए तो भी आप आसानी से उसका सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर एक से। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? विखंडन की अवधारणा का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से उत्तर आधुनिकतावाद से है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, सिद्धांत और प्रवर्तक और अवधारणा। हम देख लेते हैं, विखंडन का जो सिद्धांत है उसके जो प्रवर्तक है वो जॉर्ज दरीदा, जो कि पाश्चात्य विद्वान रहे हैं, और उत्तर आधुनिकतावाद इसकी अवधारणा है। और बात करें ऑप्शन में दी हुई है संरचनावाद, संरचनावाद के जो प्रवर्तक है वो विको माने जाते हैं। उसके बाद नई समीक्षा के जो प्रवर्तक है वो टी एस इलियट माने जाते हैं। भाई ये थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आगे आएगा आई ए रिचर्ड्स। आई ए रिचर्ड्स जो है नव अभिजात्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और भाई जिस भी परीक्षा में टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, या फिर एनटीए नेट की हो, या जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये जो है हमारी प्रश्नों की जो सीरीज है काफ़ी हेल्प करेगी। तो देख लेते हैं एक एक प्रश्नों को उसके बीच सॉल्यूशन के साथ, और वीडियो को आप लोग को लाइक करते हुए चलना है, साथ ही अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर दो। सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं की से कोई संबंध नहीं। तो ये जो सिद्ध और योगियों अर्थात सिद्ध और नाथों की रचनाओं का जो है उन किस साहित्यकार ने उसको साहित्य के कोटि में नहीं रखा, ये एक बात मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। अर्थात ये कथन पूछा हुआ है, सिद्ध और योगियों की जो रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं आते, वे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते। तो शुद्ध साहित्य की कोटि में किसने नहीं रखा सिद्ध और नाथों की रचनाओं को? तो आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये कथन कहा गया है, और शुक्ल के जितने भी हमारे कथन हैं हिंदी साहित्य में वे अपने आप में इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए कथन शुक्ल जी के बहुत ज़्यादा है, और साथ ही जो है अभी आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी शुक्ल जी के कथन हैं वो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को करा भी रखा है, तो पिछली वीडियो में आप जा करके देख सकते हो या प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो देख लेते हैं आगे, ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, और शुक्ल जी के अनुसार एक कथन और देख लेते हैं हम देव कवि के संबंध में, जो कि शुक्ल जी ने कहा है। कविता शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, उनमें शमयक सफुरन में उनकी रुचि विशेष पराय बाधक हुई। अगर ये कथन भी पूछ लिया जाए तो शुक्ल जी का कथन रहेगा। बढ़ते हैं आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में जो है देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख भी किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव कवि के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 23 ग्रंथों को। और एक ध्यान और रखना आप लोगों को, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो कवियों का जीवन परिचय लिया है वो विनोद नामक जो ग्रंथ है उससे लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों का जीवन परिचय किस ग्रंथ को आधार बनाकर रखा है। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ को। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीन। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? हिंदी में अगर ऋतु संहार रचना के रचयिता पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए श्रीधर पाठक है। श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखी गई ऋतु संहार रचना, जो श्रीधर पाठक जी का जो जन्म है वो 1800
1959 माना जाता है और मृत्यु 1928 यानी इनका जीवन 1859 से 1928 माना है। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के प्रथम कवि माने जाते हैं, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं श्रीधर पाठक जी। अगर वैसे पूछ लिया जाए ऋतु संहार के जो मूल रचनाकार का नाम बताइए तो आपको पता होना चाहिए कालिदास। कालिदास का जो की जो रचना है ऋतु संहार, उसी का अनुवाद करके जो है श्रीधर पाठक जी ने भी ऋतु संहार नामक ग्रंथ की रचना की। बढ़ते हैं आगे, गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है, यानी किस लेखक ने आएगा भाई बीच में, किस लेखक ने किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। तो वट वृक्ष की छाया में जो जीवनी लिखी है वो लिखी है कुमुद नागर ने, कुमुद नागर जी द्वारा लिखी गई है ये जीवनी। और किसकी स्मृति पर लिखी गई है, तो अमृतलाल नागर की स्मृति को के यानी कि अमृत लागर के जीवन पर आधारित ये जीवनी है। तो देख लेते हैं और अन्य तथ्य। कुमुद नागर ने वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर 2004 में जो जीवनी लिखी अमृतलाल नागर के जीवन से संबंधित कुमुद नागर ने, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं का पुत्र है कुमुद नागर अमृतलाल नागर जी का। अमृतलाल नागर की प्रमुख रचनाएँ हैं महाकाल, बूंद और समुंदर, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, और जो है सात घूंघट वाला मुखड़ा, मेरी प्रिय कहानियाँ, सिकंदर हार गया। अमृतलाल नागर जी की 1981 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज भाई क्लास में थोड़ी आप लोगों को डिस्टर्बेंस थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही होगी, क्योंकि आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सुबह के टाइम में कर रही हूँ, इस टाइम थोड़ी ज़्यादा चहल पहल होती है बाहर भी, बाहर की जो आवाज़ आती है, तो थोड़े से कल मैं बिजी होने के कारण कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो आज ही मुझे करनी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। और उसमें आप लोगों को आज जो है गांधी जी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ भी देती हूँ। तो देख लेते हैं आगे, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इन्हें मानस का हंस 1972 में तुलसीदास जी का वर्णन, इस जो मानस का हंस अमृतलाल नागर जी ने जो जीवनी लिखी उसमें तुलसीदास जी का वर्णन किया है, और अमृत और विष पर जो है अमृतलाल नागर जी को 1967 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, इसमें से राही मासूम रजा जी द्वारा उपन्यास कौन सा नहीं है, दिल एक सादा कागज, कटरा बिहार जू, टोपी शुक्ला, ये तीनों जो उपन्यास है ये राही मासूम रजा जी के उपन्यास है, लेकिन जो है हमारा समर शेष है जो उपन्यास बिशमल्ला जी अब्दुल बिशमल्ला जी द्वारा लिखे गया जो है प्रमुख उपन्यास माना जाता है। और एक अब्दुल बिशमल्ला जी का जो छीनी बीनी चंदरिया नामक उपन्यास भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जो है जीनी बिनी चदरिया जो उपन्यास है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां का, इस पर इन्हें नेहरू पुरस्कार से भी, नेहरू सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और साथ ही अमर शेष जो उपन्यास है इनका, तो ये इनका एक कथात्मक उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6, संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, ये कथन रामविलास शर्मा जी का है। तो रामविलास शर्मा ने जी ने लिखा कि संस्कृत का कोई भी शब्द जो है तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। रामविलास शर्मा का जो जन्म है 10 अक्टूबर 1912 में हुआ, 30 मई 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी, और एक प्रगतिशील साहित्यिक आलोचक भाषाविद कवि और विचारी विद्वान रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रेम शतक के रचनाकार कौन है, प्रेम शतक जो रचना है उसके रचनाकार जो है वियोगी हरि है, वियोगी हरि जी द्वारा लिखी गई रचना प्रेम शतक है। देख लेते हैं प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि है, ये आधुनिक
ब्रज भाषा के प्रमुख कवि है। वीर सत्सई के लिए इन्हें मांगला पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वियोगी हरि गांधीवादी थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद, देशद्रोह, व्यर्थ गर्व आदि हैं। और प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं भाई, मेरी तेरी उसकी बात, ये जो उपन्यास है ये आप लोगों को पता ही है, यशपाल जी का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। यशपाल जी के प्रमुख उपन्यासों में शामिल है मेरी तेरी उसकी बात, महाकाल, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुंदर, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एक दाने मिसराए, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, और जो है खंजन नैन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, ये सभी उपन्यास इनके हैं अमृतलाल नागर जी के। साथ ही करवट और पीढ़ियाँ, उसके बाद जो है यशपाल जी के प्रमुख उपन्यासों में देख लेते हैं। एक सेकंड भाई, यशपाल जी का है तेरी मेरी तेरी उसकी बात, मैंने गलती से जो है अमृतलाल नागर का बोल दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। थोड़ा सा बार डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, आज केवल 10 ही प्रश्नों को आज मैं आप लोगों से को कराऊंगी, नेक्स्ट और अन्य प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं, आज थोड़ा सा दोपहर में या फिर इवनिंग में क्लास को रिकॉर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए यशपाल जी के जो प्रमुख उपन्यास है उसमें शामिल है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, मेरी तेरी उसकी बात और क्यों फंसे, ये सभी उपन्यास जो हैं यशपाल जी के हैं। उसके बाद देख लेते हैं भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास, पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव, रेखा, सच्ची सीधी बातें, सभी नचावे राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, ये सभी उपन्यास जो हैं भगवती चरण वर्मा जी के हैं। और उदय शंकर भट्ट जी के भी उपन्यास देख लेते हैं, नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक पर लोक, शेष अशेष, छाया, ये जो सभी उपन्यास यहाँ पर 2-3 उपन्यास जो हैं प्रमुख उपन्यास है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वे ये हैं उदय शंकर भट्ट जी के। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं, छायावाद का पतन किस लेखक द्वारा लिखी गई कृति है, आप सभी को पता है कवि देवराज जी की है। पुष्टिमारक का आधार ग्रंथ कौन सा है, तो पुष्टिमारक का आधार ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत जो है पुष्टिमारक का आधार ग्रंथ माना जाता है। तो पुष्टिमारक का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। पुष्टिमारक की स्थापना वल्लभाचार्य ने की, और जो है इनका जन्म 1478 माना जाता है, मृत्यु 1530। पुष्टिमारक भक्ति, 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं पुष्टिमार्गीय भक्ति में, जो कि निम्न है, मार्ग, जीव और भक्त हम देख लेते हैं। मर्यादा मार्ग या वैदिक मार्ग भी कहा जाता है, जिसमें मर्यादा जीव और मर्यादा भक्ति ही होती है। बढ़ती है आगे, परवाह मार्ग में लौकिक सुख मार्ग भी कहा जाता है, परवाह जीव और परवाह ही भक्ति होती है। उसके बाद पुष्टि मार्ग में जो है भक्ति मार्ग भी कहा जाता है, और जो है पुष्टि जीव और पुष्टि या शुद्ध भक्ति भी कहा जाता है। उसके बाद केवल आज की क्लास में केवल भाई हम 10 ही प्रश्नों को करेंगे, टॉप 10 प्रश्नों को हमने कर लिया है, क्योंकि लगभग हम टॉप 25 प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज डिस्टर्बेंस होने के कारण 10 प्रश्नों को ही हम करेंगे, नेक्स्ट प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास जो है मैं थोड़ी और लंबी लेकर के पूरे 50% हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे MCQ के आधार पर, क्योंकि इन प्रश्नों को जब आप करोगे तो बार बार तथ्य आप लोगों के सामने होंगे, जब रिवाइज होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को परीक्षा में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इन प्रश्नों के माध्यम से। तो आपको इस सीरीज़ को इसी तरह निरंतरता के साथ जो है बार बार रिवाइज करते हुए चलते रहना है, ताकि परीक्षा में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो है कमेंट अवश्य करना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।